हाय फ्रेंड्स, मुंबई किचन में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। कोरोना वायरस या COVID-19 डिसीज़ से बचने के लिए कृपया अपने अपने घर पे ही रहे, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, सेफ़ रहे। और घर पे बैठे बैठे मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी थी। आज कुछ एक स्नैक्स डिश मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो एक वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर आपने मुंबई किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे के रेड सब्सक्राइब आइकॉन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में आने वाले रेड बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, तो जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आज की रेसिपी है बैंगन फ्राई। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हुए हैं और उसको मैं हॉरिजॉन्टल पीसेस में कट कर लूँगी इस तरह से। बहुत पतले भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं, मीडियम साइज़ के थिकनेस के पीसेस हमें कट कर लेने हैं, ताकि वो जब हम फ्राई करेंगे तब एकदम से गलेंगे भी नहीं और कच्चे भी नहीं रहेंगे। देखिए, इस तरह के स्लाइसेस हमें कट कर लेने हैं। और जब तक हम स्लाइसेस कट कर रहे हैं, याद रखिए इसे हमें पानी में रख देना है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो सारे पीसेस हमारे कट करके हो चुके हैं, इसे हम सेम वही डिश में एक बार ले लेंगे और इसे हमें मैरिनेट करना है। उसके लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। और हल्दी और नमक को बैंगन के स्लाइसेस में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसे लगा लेना है। इससे होता क्या है कि बैंगन के स्लाइसेस को थोड़ा सा मॉइस्चर पकड़ेगा, पानी छूटेगा, तो बाकी का मसाला जो हम बनाएंगे वो अच्छे से वो पकड़ लेगा। तो बाकी का मसाला बनाने के लिए एक बोल में हमें लेना है 4 से 5 चम्मच का बेसन। आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उससे आधा रवा लिया है, 2 चम्मच मैंने रवा लिया हुआ है। रवा से बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आता है। थोड़ी सी हल्दी मैंने ली है, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया हुआ है। उसी में मैंने किचन किंग मसाला या कोई भी गरम मसाला आप डाल सकते हैं। थोड़े से तिल मैंने लिए हुए हैं। और जैसे कि बेसन है तो अजवाइन तो हमें डालना ही है, थोड़ा सा क्रश करके। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे। याद रखिए, हमने नमक पहले भी बैंगन को लगाया हुआ था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा पानी छूटना चालू हो गया है स्लाइसेस को। इसे हम मिक्सर में लगा लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से सारे स्लाइसेस को हम मसाला लगा लेंगे, दोनों साइड से अच्छे से कवर कर लेना है। देखिए इस तरह से एक ही बार में सारे स्लाइसेस को हमें मसाला लगा देना है। और अगर इसमें पानी छूटे तो और थोड़ा ऊपर से मसाला साइड में रख के हमें लगा लेना है। अब एक तवे पे हमने तेल गरम करके रखा हुआ है। तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद ही हमें सारे स्लाइसेस को शैलो फ्राई कर लेना है। एक एक करके हम इसे रखें, सबसे पहले साइड में रखें फिर बीच में रखें, क्योंकि बीच के स्लाइसेस बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। इसे 1-2 मिनट बाद पलट देना है ताकि दोनों साइड से वो अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए इस तरह से। और जब तक ऊपर एक गोल्डन सा कवर, क्रिस्पी सा कवर नहीं आ जाए, तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से वो थोड़े हल्के भी हो जाते हैं और ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और याद रखें, रवा जलना भी नहीं चाहिए, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे शैलो फ्राई कर लेना है। बस हो गया, खाने के लिए रेडी है हमारे बैंगन फ्राई।